नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर सेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनी है, कौन सी कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। दोस्तों, कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी काफ़ी बड़ी है, उस वो मैटर नहीं करता है। आपके लिए मैटर करता है कि आपको स्टॉक जो है रिटर्न कितना दे रहा है। तो आप वैसे स्टॉक को चुने जो आपको अच्छा रिटर्न दे। सिर्फ कंपनी बेहतर है लेकिन उसका स्टॉक आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तो फिर वो स्टॉक आपके लिए मतलब उतना अच्छा नहीं जितना कि आप स्टॉक मार्केट में सोच के आए हैं। तो दोस्तों, कंपनी बेहतरीन है, साथ साथ स्टॉक का रिटर्न भी बेहतरीन होनी चाहिए। जैसे अब आईटीसी को आप देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों से आईटीसी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया इन्वेस्टर को, बल्कि उल्टे लॉस किया है इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो चलिए डिफरेंट डिफरेंट जो स्टॉक्स है उसको हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहला है देख लीजिए मैरिको, दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, तीसरा एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एचयूएल हो गया, उसके बाद आप देख लीजिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, उसके बाद आईटीसी। तो इन सभी शेयर्स को मतलब जो ये 5 शेयर है इसको हम कंपेयर करेंगे और साथ साथ एक ले लेते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, तो ब्रिटानिया को भी ले लेते हैं। तो इन सभी शेयर्स को हम कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं मैरिको लिमिटेड। तो दोस्तों, मैरिको जो रिटर्न दिया है आपको देख लीजिए कितनी शानदार रिटर्न है। 2001 से लेकर के अभी तक में आप देख लीजिए इसका जो रिटर्न है 13,000% का है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में कितना बेहतरीन रिटर्न आप देख लिया। रिटर्न के साथ साथ आप डेफिनेट देख लीजिए 0.98% लगभग 1% के अप्रॉक्स डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड भी आपको 1% दे रहा है कंपनी, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। डिविडेंड यील्ड होता है कि आपने जितना रुपया इन्वेस्ट किया उसका 1% आपको डिविडेंड के रूप में कंपनी हर साल पे करती है। तो 5% के लिए आप जो है एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, 1% आपको ये रिटर्न दे रहा है किस रूप में, डिविडेंड के रूप में। तो 1% का रिटर्न डिविडेंड के रूप में हो गया तो कितनी बेहतरीन है आप समझ सकते हैं। 1% डिविडेंड के रूप में रिटर्न आपको मिल गया, उसके साथ साथ जो ग्रोथ का रिटर्न होगा अलग होगा, साथ साथ कंपनी बोनस शेयर भी काफ़ी अच्छी देती है। अब हमारे जो अलग अलग मतलब स्टॉक के शेयर के हम वीडियो बनाते हैं उसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आपको कितना बोनस देती है, कौन सी कंपनी कितनी बार बोनस दी है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। उसके बाद दूसरी कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। दोस्तों, ये देख लीजिए ये कितना रिटर्न दिया आपको 2001 से लेकर के अभी तक में 15,000%, मतलब मैरिको 13,000%, ये 15,000%। अगर बात करें 2-3 सालों से स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म है, मतलब कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो उससे पहले मतलब जब ये अपने हाई पे था ऑल टाइम 2018 में, तो ये 22,000% का रिटर्न दे रहा था अपने इन्वेस्टर को। तो दोस्तों, समझ सकते हैं ये कंपनी मतलब मैरिको से भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया। और साथ साथ डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 1.19%, द डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है। 1.19% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफ़ी शानदार परसेंटेज है डिविडेंड का। तो ये देख लीजिए, ये आपको जितना इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 रुपया हर साल डिविडेंड के रूप में कंपनी देगी। अगर आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 10 रुपीज़ हर साल डिविडेंड के रूप में ये कंपनी आपको देगी। तो दोस्तों, ये होता है स्टॉक में शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा कि आपको डिविडेंड के रूप में भी लगातार रिटर्न मिलता रहता है। तो ये दूसरी कंपनी हो गई जो कि मैरिको से भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर हम आपको रिटर्न के रूप में कंपेयर कर रहे हैं कौन सी कंपनी अच्छी है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, साथ साथ यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे आपको, जब हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे इन सारे स्टॉक के बारे में। जैसे ब्रिटानिया पे आपने काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि टाटा कंज्यूमर पर, हमने आपको बना करके बताया क्या लेवल्स और टारगेट होनी चाहिए, कब आपको बाय करनी चाहिए, क्या आपका स्टॉप लॉस होनी चाहिए। दोस्तों, स्टॉप लॉस जरूर लगानी चाहिए। इसके बाद एचयूएल शेयर देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, लेकिन इसका रिटर्न देख लेते हैं। तो 2000 ईस्वी से अभी तक का रिटर्न देख लेते हैं, 2001 से चलिए, तो 2001 से या 2000 ईस्वी से अभी तक में मात्र 1000% के अप्रॉक्स ये रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, मात्र 1000 और कहाँ आप 15,000, दोनों में आप समझ सकते हैं कितना अंतर है, 1000% और 15,000%। तो दोस्तों, इतना कम रिटर्न क्यों दिया है इस कंपनी ने, क्योंकि ये कंपनी पहले से ही एक लार्ज कैप कंपनी है। वैसी कंपनी आपको एक बेहतरीन रिटर्न देता है जो स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी होती है और वो लार्ज कैप कंपनी बनती है। तो जब एक मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, लार्ज कैप
कंपनी बनती है तो वो आपको एक काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान लिवर पहले से ही बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए ये आपको उतना अच्छा रिटर्न, उतना बेटर रिटर्न नहीं देगा जितना कि एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप कंपनी आपको देगा। लेकिन डिविडेंड के रूप में देखेंगे तो काफ़ी शानदार रिटर्न है, 1.34% का डिविडेंड, क्योंकि ये वेल सेटल्ड कंपनी है, काफ़ी मतलब बिजनेस जो इसका काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, तो ऐसे कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में काफ़ी शानदार रिटर्न देगा। तो देखते हैं 1.34% का डिविडेंड है जो कि काफ़ी शानदार है। उसके बाद अगला देख लीजिए ब्रिटानिया इंडस्ट्री, इस शेयर के बारे में भी चलते हैं, देख लेते हैं कितना रिटर्न है। तो मैक्सिमम ईयर का हम चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ से देखते हैं तो 2020 से अभी तक में 5900% का रिटर्न, मतलब 6000% का रिटर्न दिया है ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने। तो दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 3.35% का डिविडेंड यील्ड है जो कि काफ़ी शानदार है। तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी बेहतरीन है इस कंपनी का और रिटर्न भी काफ़ी शानदार है। तो दोस्तों रिटर्न भी काफ़ी शानदार, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी बेहतरीन, तो ऐसे ही कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन आपको कंपेयर यहाँ पर हम बता रहे हैं मैरिको 13000, गोदरेज कंज्यूमर 15000% का रिटर्न, एचयूएल मात्र 1000% का और ये कंपनी दिया है 6000% का रिटर्न। तो दोस्तों इस आधार पर आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतरीन है, या आप खुद जज करेंगे। हम अलग अलग मतलब स्टॉक के बारे में अलग अलग वीडियो भी बनाते हैं, एचयूएल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, इस सब में हमारा भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन धीरे धीरे हम इन कंपनियों से अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें दूसरी कंपनियों में, मतलब इसको हम धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और दूसरी कंपनियों में शिफ्ट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि जो दूसरी कंपनियां हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और जो नई लार्ज कैप कंपनियां हैं जिसका बिजनेस अभी ग्रोथ होना बाकी है, जैसे एचयूएल है वो बिजनेस काफ़ी पहले से है, ग्रोथ हो चुका है, तो उस कंपनी में आपको ग्रोथ कम देखने मिलेगा तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक है सिक्योरिटी मिलेगा, मतलब आप सिक्योर रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट इन सभी कंपनियों में, आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ब्रिटानिया में एक चीज़ आपने देखा 3.35% का डिविडेंड यील्ड है, मतलब आप जो एफडी में 5% के लिए 5% रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो आप यहाँ पर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, ग्रोथ भी मिलेगा आपको, साथ साथ डिविडेंड के रूप में रिटर्न भी मिलेगा, तो दोनों एक साथ बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इस स्टॉक के बारे में मतलब काफ़ी सारे कमेंट आते हैं क्योंकि ये स्टॉक एक दिशा में मूवमेंटम दिखाया, देख सकते हैं यहाँ से 200 रुपये से लगातार ये अपना जो मतलब जर्नी है वो कवर किया 500 से ऊपर तक का, मतलब 100 से लेकर 150% तक का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया मात्र कुछ ही सालों में, मात्र 1 से 1.5 सालों में। और इसका देख लेते हैं रिटर्न, तो लॉन्ग टर्म में 2900%, मतलब 3000 के आसपास का रिटर्न है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो कुछ खास रिटर्न नहीं है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इन कंपनियों में आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलता है, जो वेल सेटल्ड कंपनियां है पहले से जिसका बिजनेस काफ़ी मतलब ग्रो हो चुका है, तो वैसे कंपनियों आपको जो रिटर्न मिलेगा काफ़ी कम मिलेगा। तो उस वही बात है टाटा कंज्यूमर में, इसमें भी आपको रिटर्न देखने के लिए उतना नहीं मिलेगा जितना कि आपको और सभी कंपनियां हैं, जो कंपनी अभी नई आई है बिजनेस में और जो कि बिजनेस में सेटल हो चुकी है, मतलब एस्टेब्लिश हो चुकी है और बिजनेस को ग्रो होना बाकी है, वैसे कंपनियों के स्टॉक में आपको काफ़ी बेहतर रिटर्न मिलेगा। और ऐसे कंपनी में आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हमारा ये अपने लो बनाने के बाद जैसे ऊपर का मतलब मोमेंटम शुरू किया, तो आप इसमें स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन बनाएंगे और जैसे अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, जैसे देख रिवर्सल आपको दिखता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस तरह से पोजिशनल ट्रेडिंग आप कर सकते हैं और ऐसे चार्ट पे ये सारी कंपनी काफ़ी स्टॉक मतलब स्ट्रॉन्ग है, आप चाहें तो इसमें भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रिटर्न चाहते हैं एक ह्यूज रिटर्न वो आपको इन कंपनियों में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको वैसे मल्टी बैगर से ढूंढना पड़ेगा जो आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे। अगला है हमारा आईटीसी लिमिटेड, ये भी काफी एक बेहतरीन शेयर है आईटीसी, लेकिन पिछले कई सालों से 2017 से ही देखें तो ये काफी अंडर परफॉर्म है। अगर हम 2020 से बात करें तो रिटर्न देख लेते हैं 2020 से अभी तक में, तो 1285%, तो काफ़ी कम रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आईटीसी बोनस शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा देता है, तो जब काफ़ी ज़्यादा आपको बोनस देता है तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है वो कई गुना हो जाता है। मान लीजिए इसका शेयर का प्राइस जो है आपका
पहले बाय किए थे 100 रुपया, अभी भी 100 रुपया है, लेकिन आपका जो 10 शेयर है वो 100 शेयर हो गया, आपका 100% का रिटर्न, मतलब 100 टाइम्स का रिटर्न, 100% मत बोलिए, 100 टाइम्स का रिटर्न आपका यूं ही हो गया। तो इसका खासियत ये है कि ये सारी कंपनियां जो है, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, ITC हो गया, ये सारी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा बोनस देती है। बोनस से आपका नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे शेयर प्राइस में कम ही ग्रोथ हो लेकिन आपका जो रिटर्न होता है इन्वेस्टमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये सारी बातें भी आप याद रखिएगा कि बोनस देने से आपका जो एडजस्टेड प्राइस होता है शेयर का वो कम हो जाता है, जिससे आपका नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई होता है, और नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई होने से जैसे कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आपका रिटर्न जो है कई टाइम्स बढ़ता है, जितना टाइम्स आपका नंबर ऑफ शेयर्स होता है। तो इसका डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 5.84%, लेकिन ये इसी साल इतना परसेंट का डिविडेंड दिया है, नहीं तो जनरली ये जो है आपको 3% का डिविडेंड दे देता है। तो 3% का डिविडेंड के रूप में रिटर्न हो गया। आप FD में लगाते हैं तो FD में आपको कितना मिलता है, 5%, यहाँ 3% डिविडेंड के रूप में मिल सकता है, और साथ साथ जैसे ग्रोथ होगा कंपनी में तो आपको ग्रोथ का भी रिटर्न देखने मिलेगा। तो दोस्तों इन 5 कंपनियों में, मतलब 6 कंपनी आपको हमने बताया, ITC, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटेनिया, HUL, गोदरेज, मैरिको, इसमें से बताएगा कौन सी कंपनी बेहतरीन है। आपको हम फंडामेंटल एनालिसिस भी दिखाते रहते हैं, ऐसे ये 6 कंपनियां फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इवर ग्रीन सेक्टर से है, FMCG सेक्टर जो कि इवर ग्रीन सेक्टर होता है, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेगुलर रिटर्न मिलेगा और एक सेफ साइड होता है। सेफ होता है क्योंकि इन सब कंपनियों में किसी भी पैंडमिक का, जैसे कोरोना वायरस का सिचुएशन आया तो इन कंपनियों पर कोई खास असर नहीं पड़ा, तो इसलिए ये सेफ माना जाता है। ये जो कंपनियां होती है इसमें जब भी गिरावट आए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है, तो आप इवर ग्रीन सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक है उसके साथ आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बताइएगा कौन सा स्टॉक इसमें आपको काफ़ी पसंद आया, उस स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।